ये है हमारा पहला दिन का आशियाना। इतने हार्डेस्ट ट्रैक और क्लाइंब के बाद हम यहाँ पहुंचे थे। सच में इस जगह में हमारा दिल बह गया था। जाने किस शहर में खो गई मंजिल, ना जाने कौन जाने। रात हो चुकी थी और हमने काम बांट लेते हैं। पंजी का काम था खाना बनाना, उनकी हेल्प करी मैंने। शुभम का काम था आग जलाना और उनकी हेल्प करी राजेश ने। एक अच्छे ट्रैकर की तरह हमने खाना खाया और इस तारों की छाव के नीचे टेंट लगा के एक प्यारी सी नींद ली। और फिर होती है सुबह। और सुबह होते ही नाश्ते का कार्यभार पंजी को सौंपा गया और उसके बाद हमने यहाँ पर सफाई करी, अपना टेंट समेटा और अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। और उससे पहले सुबह हमें कुछ बता रहे हैं, सुन लो क्योंकि ये जरूरी है। और कुछ राजेश? और कुछ नहीं, हमारे व्यूअर के लिए कुछ, व्यूअर्स के लिए कुछ नहीं। क्या इसके लिए ये भी तुम बताओ यार पंजी। यार मैं बताऊँ, सबसे बढ़िया हमारा जो ड्रीम था वो आप पार्ट एक होने वाला है, ठीक है? ये लट्ठी बनाई है, इस लट्ठी की लड़ाई हो रही है क्योंकि लट्ठी हमारा बहुत शांत दिया। अबे मेरी लकड़ी जला दी जो लाया था कल, अबे वो कच्ची थी, ठीक है? अभी उसके लिए लट्ठी की लड़ाई होती है, लेकिन हमें देना यार। अबे क्या दिए? गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी ब्लॉग्स और हिमांशु पंत और ट्रैकिंग उत्तराखंड के ब्लॉग में। इस बार जो हमारा ब्लॉग है सब मिलके कर रहे हैं एक साथ। और अभी हम सुबह के बजे हैं, कितना बज गया भाई टाइम तो बता दो। 9 बज गया है और अभी हम निकल रहे हैं अपनी कैंप साइट से ऊपर काकभुसंडी लेक के लिए। मौसम थोड़ा फॉग भी है, फॉग लगा हुआ है और सभी बंदे तैयार हैं। डब्बा भी रखा है। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। और आगे लीड करते हुए पंत बोला। अभी मैं लीड कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे हाथ में डंडा है और कम से कम 20-25 लीटर का बैकपैक है। चारों बंदों के पास इक्वल सामान है और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। और जो रास्ता है वो अभी थोड़ा सा हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत हमारे साथ ये है कि अभी घास उगी हुई है, इस टाइम पर अगस्त पे घास उग जाती है ट्रैकों पे। और मौसम आज बहुत सुहाना है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मौसम कुछ जानदार है। हाँ सर, ऐसा बोल, इतना सामान लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम बिना गाइड। हाँ बता दिया मैंने, 20-25 लीटर का पर बंदे के पास बैकपैक है हमारे पास। डिफिकल्टी बताओ जरा क्या है? डिफिकल्टी ये है कि हमारे पास ट्रैक नहीं, सबसे बड़ी बात ये ट्रैक नहीं है हमारे पास, ठीक है? गाइड नहीं है हमारे पास। धोखा हुआ है? धोखा क्या हुआ? धोखा कुछ नहीं हुआ यार, ऐसे ही होता रहता है, ठीक है? बाकी मौसम बहुत सुहाना है कुल मिला के, मौसम है सुहाना और हमें है चलते जाना। और जैसे पंजी ने कहा, मौसम है सुहाना और हमें है चलते जाना। और हम पहुंच चुके थे प्यारे से एक छोटे से मंदिर में और कह सकते हो ये भी एक मार्क सेट किया था इसने अपना। यहाँ से हमें रास्ते का पता लगाना था कि कहाँ को जाना है और हमारी मुश्किलें अब बढ़ने वाली थी। पे बहती स्याही सी। मंदिर से थोड़ा सा ऊपर आए और रास्ता हम भटक गए। अब हम फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। अभी हमें एक फुटप्रिंट दिखा था तो यहाँ भी कुचली हुई घास है। ये देखो पत्थर रखा है किसी ने। ये देखो ऐसे ऐसे मार्क बनाए हैं किसी अच्छे बंदे ने। हम इसको और अच्छा कर रहे हैं।
आप सोच रहे हो कि हम मार्क लगाते क्यों नहीं जा रही, क्योंकि हमें अभी खुद ही नहीं पता रास्ता कहाँ है। वो है यार आगे भी रखा पत्थरों का, वो बीचों पत्थर पे। हाँ और वो क्रॉस हो रहा ना यहाँ पे पत्थर रखे किसी ने, मुझे लग रहा भाई अब वो पार्ट आ चुका है। रुको 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 अभी रुको, ये देखो फुटप्रिंट, इसको क्रॉस करना होगा हमें। ऊपर को नहीं जाना है मतलब, ऐसे करके रास्ता बनाया है। एक पत्थर और रखो इसके ऊपर, तो गाइस देखो फाइनली फिर हम नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता यहाँ से फिर टूटा हुआ है, साफ दिख रहा है। ये देखो फाइनली हमारी मुश्किलें बढ़ने लगती है। अब हम हर 100 मीटर बाद 200 मीटर बाद रास्ता भटकने लग गए थे। यहाँ से हम रास्ता भटक गए थोड़ा, हमको एक ट्रेल मिली, हम इसको फॉलो करते हुए आए और ये आगे टूटी हुई है। अब ये लोग थोड़ा रिस्क ले रहे हैं नीचे उतरने का, मैं तो कह रहा हूँ वापस नीचे चलो वहाँ से आते हैं, लेकिन यार इतना ज़्यादा रिस्क अच्छा नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए हम रास्ता भटक गए थे, फाइनली हमें एक मार्क मिला है। हम यहाँ से ऊपर चले गए, ऊपर भाई वहाँ पूरा खतरनाक जंगल, पैर रखने की जगह नहीं थी। फिर हमने क्या करा, फिर हम नीचे उतरे। अब हम पहुँच चुके थे हाथी ग्लेशियर पर्वत। सबसे टफ टास्क था हाथी ग्लेशियर पर्वत को क्रॉस करना, क्योंकि यहाँ कोई भी रास्ता नहीं था। आपको दूर दूर तक कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ लैंडस्लाइड और मौत और कुछ नहीं। जितना ज़्यादा ये जाने में था टफ, उससे ज़्यादा हमको आने में टफ लगा, क्योंकि यहाँ हर कुछ घंटों बाद लैंडस्लाइड हो रही थी, ऊपर से हमारे सामने हुई थी। और यहाँ पर मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, उसका रीज़न ये था यहाँ पे हम वीडियो बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमें अपने पाँव के साथ साथ अपने हाथों का भी इस्तेमाल करना था। हमें प्रॉपर यहाँ पर क्लाइंबिंग करनी थी बिना रूप के, वो हमने की और हमने इसे क्रॉस किया। और ये सबसे ज़्यादा टफ था, मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे हम बाल बाल बचे थे लैंडस्लाइड के साथ गिरते गिरते। तो इसके बाद आता है राजखरक और हमें मिलते हैं भेड़ वाले और उनके दो प्यारे से कुत्ते। मैंने देखा तारा टूटा वो उड़ता, अपनी ही दुनिया में गुम सा वो फिरता। सब कर बातें ये झूठी मोटी बातें, पर अपने इरादे करेंगे पूरे सारे। मैंने देखा तारा टूटा वो उड़ता, अपनी ही दुनिया में गुम सा वो फिरता। सब कर बातें ये झूठी मोटी बातें, पर अपने इरादे करेंगे पूरे सारे। प्यार पर उसका न जाने कहां, दुनिया में ढूंढे वहां। मिलना था उनने ये था तो लिखा, ये सबने सुना था ये सबने कहा था। गलियों के शोर में कमरे के कोने में, रात के साए में, सुबह उजालों में, ठंडी पहाड़ों में, लहरों के सीनों में, खिलते वो फूलों में, ढूंढू हसीनों में। यूं मैं उड़ता रह गया, गुमसा फिरता। कौन सी जगह थी, कितनी भेड़ आपकी है, गिनती नहीं की वो दिख रही जितनी भी है। तो फिर कोई मिस हो जाए तो फिर कैसे पता चला हुए पर। और भी आ रहे, चार ही आए, दो बच्चे आ रही है, आशीर्वाद भी आ रही जाए। फाइनली हमने काग भुसंडी लेक को क्रॉस किया राजखरक के बाद, और ये भी एक टफ टास्क था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उसका पानी कभी बढ़ रहा था कभी कम हो रहा था। और आप देखो हमने कैसे इसको क्रॉस किया। और उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा टफ, इमोशनल और मेंटली हमको डिस्टर्ब कर देने वाला पार्ट शुरू होता है, कंकुल पास। रिवर तो क्रॉस हो गई है जैसे तैसे, लेकिन
अभी पता नहीं है आप कहाँ जाना है। अब फिर से रास्ता ढूंढने लग गया। हाँ हाँ ग्लेशियर पार करके होगा अब। ओ भाई ग्लेशियर आ गया, देखो ये ग्लेशियर है ना भाई, ध्यान से चलना इसमें। हमको दाई जाना है यार, अब ऊपर को नहीं जाना है। ओए मैप देख अपना, ये देखो ये ग्लेशियर है, बर्फ ये देख रही। इधर को जाना ना, वीडियो देखना वीडियो। रुक जा ये देखो कुतिया, तो ये रास्ता काफ़ी कन्फ्यूज़न करने वाला आ चुका था कि हमें दाएं जाना है ऊपर जाना है, क्योंकि सीन ये था कोहरे से कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना फॉग था कि हमको अपने बंदे नहीं दिख रहे थे कि कौन कहाँ पे है। तो काफ़ी मुश्किल घड़ी आ चुकी थी, और इसमें फिर से पंजी ने अपना IQ लगाया, जो भी लगाया मुझे नहीं पता, उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया था। वो थे थोड़ा नीचे और शुभम और राजेश थे ऊपर और मैं था बीच में, और हम सब रास्ता ढूंढ रहे थे और पंजी ने ढूंढ लिया था, और पंजी ने बोला रास्ता मिल गया और हमको बुलाया नीचे की तरफ। मैं थोड़ी देर बाद गया, शुभम ऊपर से ही गया, और लेकिन पंजी को थोड़ा गुस्सा आ गया, और रीज़न भी है गुस्सा आने का क्योंकि पंजी ने रास्ता ढूंढ लिया था और हम उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, और वो जब बुला रहे थे कि आ जाओ रास्ता मिल गया है, हम फिर भी नहीं जा रहे थे, और जब मैं गया तो उनका गुस्सा देखने लायक था। भाई मैं बोल रहा हूँ, बोला जब आगे जाना रास्ता खत्म हो वहाँ से दाहिने चले जाना, दाहिने में आओ ये रास्ता ट्रेन है पूरा, कह रहा हूँ तुम ऊपर से आओ तो नीचे से आऊंगा। वो दोनों कह रहे हम आगे मिलेंगे, चल अब फॉग हो रहा है ऐसे आदमी दिखने का। वो अपने मैप के थ्रू चल रहे ना यार, ये रास्ता है यार यहाँ पे, पंजी यहाँ पर काफी गुस्से में। फिर वहाँ उल्टा उल्टा जा रहा था, उल्टा उल्टा भोज फिर आगे मिलूंगा, आगे भोज रास्ता बनाया। चल चल चल, हम तो बताने के बाद भी नहीं आता ना, ऊपर तो बड़े खार मस्ती है। ओ रास्ते आ जाओ, अरे ये खेत होंगे ना, ये है हुड, ये है हुड भोचड़ी वाले, ये फौजी दिमाग जो होता है ना हुड होता है, अपनी करेंगे। तुम सिविल वाले हो, तुम कुछ नहीं जानते, हम फौज वाले, हमने सब हम सब जानते हैं। रिकॉर्ड कर इसको, रिकॉर्ड हो रहा है, बात ही सुनाना भोचड़ी का। ये देखो यहाँ पूरी कभी कभार, और शुभम देखो ऊपर बोल्डर के ऊपर से जा रहा है, और राजेश भी, राजेश अपने भाई शुभम को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, और मैं राजेश को इसलिए क्या कहते हैं पंजी अकेले पड़ गए थे नीचे। ऐसी प्यारी नोकझोंक हम लोगों के बीच होती रहती है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके थे। उसका एक रीज़न था, हमने सुबह से नाश्ते के अलावा कुछ नहीं खाया था, खाना तो छोड़ो पानी तक नहीं पीता, हमें बस वो लेक ढूंढनी थी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, दूसरे दिन हमें यहाँ से जाना था और अंधेरा होने वाला था, और अब तो ऐसा लग रहा था कि बिना मंजिल के हम चले जा रहे हैं, और ये रास्ते बहुत ज़्यादा अजनबी लगने लग गए थे। हम कहाँ
को नहीं खबर। दोस्तों फाइनली बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके थे, फिर हमने एक प्लान बनाया। मैं आगे गया रास्ता ढूंढने ऊपर की तरफ, मैं और पंजी और शुभम और राजेश राइट की तरफ गए और पंजी को ऊपर दिखा एक येलो मार्क और पंजी ने मुझे भेजा वहाँ पे, ये सिर्फ ये चेक करने को कि वो सिर्फ मार्क या भ्रम। तो मैं ऊपर जाता हूँ और वो एक मार्क होता है। फिर हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं नीचे से कि रास्ता मिल गया है और हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं। कंकुल पासटेक 5000 मीटर की हाइट में है यार, सोचो। अपने दोस्तों का भी नीचे से आ रहे हैं, मेरा GoPro भी नीचे छूट गया, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। अब जस्ट फ्यू स्टेप आगे जाना है, कंकुल पास मिलेगा, वहाँ से फिर बोल्डर आएंगे, फिर नीचे उतरना है। लेकिन रियलिटी ये होती है कि वहाँ जाने के बाद हम फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जाना कहाँ है, और उसके बाद मुझे लगता है कि हम या तो खो गए या फिर हमें लेक नहीं मिलेगी, और मैं फ्रस्ट्रेट होके व्लॉगिंग बंद कर देता हूँ। और यहाँ से अब जितनी फुटेज आएंगी वो आते समय की आएंगी, ठीक है। मैं उनको मतलब बीच बीच में दिखाऊंगा कि कौन कौन सी जगह बीच में पड़ी। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप राजखरक से काकुशंडी लेक क्रॉस करोगे तो आपको दाएं जाना है और ट्रेल ढूंढनी है, आपको ट्रेल मिल जाएगी, ट्रेल फॉलो करना है। जैसे आपकी ट्रेल ख़त्म होगी तो आपको फिर सीधे स्ट्रेट ऊपर को चढ़ना है। ऊपर को चढ़ते चढ़ते आपको येलो मार्क मिलेगा, वहाँ से कंकुल पास शुरू होता है, आपको ग्लेशियर दिखेगा बर्फ़ का, बस उस बर्फ़ में चले जाना है और सीधे आप पास पहुंच जाओगे। ऐसे ऊपर चढ़ना है पूरा। अब पंजी रास्ता मिला, आगे मिलते हैं यार, आगे मिलते हैं भाई लोग, आपसे जिंदा रहे तो। फाइनली हम कंकुल पास पहुंच गए थे, हमें लगा नहीं था कि हम कंकुल पास पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग पहुंच गए थे। और मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि रात के 7 या 8 बजे थे, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। बस हमें अभी रात काटनी थी और हमें कहीं भी कैंपिंग के लिए जगह नहीं मिली थी, सिर्फ बोल्डर ही बोल्डर थे कंकुल पास से नीचे उतरते ही। और हम बहुत ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि बारिश देखो कितनी खतरनाक हो रही है, ये देखो बारिश कितनी तेज हो रही है, बारिश से बर्फ है पता भी नहीं चल रहा है। और यहाँ पर अपने सामने है डॉगी, प्यारा सा डॉगी, ये देखो दिख रहा है तुम्हें, और फिर देखते ही देखते 9 बज गए थे और ना हमारे पास पानी था और ना ही हमारे पास जमीन थी, हमारे पास सिर्फ थे तो बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर, और हमने उस बोल्डर के ऊपर ही अपना टेंट लगाया। और मैं नहीं बता सकते कि हमने कैसे रात काटी, हम 4 लोग थे और चारों एक साथ लेट नहीं पा रहे थे, नीचे से पत्थर हमें चुभ रहे थे, टेंट में पानी घुस गया था, पंजी के पास तो कपड़े ही नहीं थे पहनने के लिए, उनके पास ना नीचे से कुछ था ना ऊपर से कुछ था, और यही हालत हम लोगों के भी थे। और जैसे तैसे हमने यहाँ रात काटी और हम सच बताऊँ हमको लेक नहीं मिली थी, और हमको लग रहा था ना ही हमें लेक मिलेगी, और हमने सोचा था कि सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब सुबह होती है और हमारे शुभम भाई बाहर जाते हैं और वो चिल्लाते हैं कि लेक मिल गई, और वो मोमेंट बहुत इमोशनल होता है हमारे, हमको लगता है कि हमारी जो मेहनत थी वो रंग लाई। और आप भी देखो पहला नज़ारा लेक का। मंजिल पे खड़े हो के हम क्यों रास्तों के निशान ढूंढते हैं, लम्हों की बंदिशों मेरे गुजर दोस्तों। फाइनली हमें काकुशंडी लेक मिल गई है। रात को हमने देखो ऐसे टेंट किया
ये देखो बोल्डर सारे, उम्मीद उम्मीद थी नहीं कि हमें सच्चे क्या कहते कागबुंदी लेक दिखेगी। रात को अंधेरा हो गया था और हमने यहीं पर टेंट लगाया और सुबह जब हमने थोड़ी सी हिम्मत करी और नीचे देखो ये नीचे कागबुंदी लेक फाइनली ढूंढ ली हमने। और भाई ये लेक पूरी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो भाई। एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक है, क्या बताएं, बोलने के शब्द नहीं हमारे पास। हमने सुबह कल की रात निकाली ना, वो रात भाई बहुत ही मतलब सालों में तक की बात हो गई, ये जिंदगी की पहली रात थी ऐसी हमारी। देखो इनको जरा लोकेशन दिखाओ कैसी। ये देखो ये हमारा टेंट है, अब मैं टेंट के आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखो नीचे और ये ऊपर देखो आप। और ये हम रात को आए 9 बजे ऊपर से नीचे लुढ़कते हुए गिरते हुए। और बताओ कुछ जिंदगी की पहली रात में मुझे ऐसे गुजारी है, ठीक है, रोते भी लगते हुए। कल सुबह जो हमने खाना नहीं खाया है सिर्फ इस कुंड के लिए, इस जो है ताक बुझूंगी झील के लिए। अभी पूरी छुप गई यार झील। और लास्ट में हम बस इतना ही बोलेंगे, ये ट्रैक करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और हाँ, अगर आप ये ट्रैक कर रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ गाइड करके आना। हमने तो बहुत ज़्यादा रिस्क लिया और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ये रिस्क लें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।